समझ का नहीं हुआ। सकल कुंवर व्याहे थे, जितने कुंवारे थे राम जी के साथ गए थे सबका ब्याह। क्यों? मिथिला वासियों ने सोचा राम जी का दर्शन तो हमें दुर्लभ होगा, ब्याह के बाद ये अयोध्या पधारेंगे, हमारा भी अयोध्या से कोई नाता जुड़ जाए तो इसी बहाने हमें भी रघुनाथ जी का दर्शन होता रहेगा। तो जितने कुंवारे थे साहब, क्या ब्याह मिथिला में हो गया, सकल कुंवर ब्याह ये नहीं कर। अरे महाराज, तब तो सबके घर घर में ब्याह ही हो रहा होगा। कहते हाँ, जनक भवन की शोभा जैसी गृह गृह प्रतिकूल देखिए तैसी, जिस प्रकार जनक जी के भवन में मंडप बना शोभा भई, ऐसी शोभा सबके घर। और फिर अयोध्या से जो राम जी के सखा गए थे वो सब साधारण तो थे नहीं महाराज, छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, बड़े धूम से विवाह महोत्सव हुआ भगवान का। विवाह जब संपन्न हुआ उसके बाद सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गई। कोहबर एकांत कक्ष, जहां पर देवी देवताओं का पूजन पहले से हुआ रहता है, वहां पर वरवधु को ले जाकर के वरवधु के हाथ से पुनः पूजन कराया जाता है। और कुछ लोक रीति होती है कोहबर की रीति, सखियां दुल्हा सरकार को और दुल्हन को लेकर के कोहबर में गईं। रघुनाथ जी को लेकर के मिथिलानियां जब कोहबर में जाने लगी तो कोहबर के द्वार पर जब पहुंची तो एक सखी पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उस सखी ने दरवाजा रोक लिया और सखी ने कहा, सरकार भीतर नहीं जा सकती। अरे क्यों? मिथिला की सखी ने कहा, सरकार यहाँ की ये विधि है, कोहबर में जाते समय दूल्हा सखियों को नेक दे और नेक देने के बाद तब भीतर जा सकता है, तो पहले आप नेक निकालो तब भीतर जाओ। राम जी ने कहा, हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं, क्या दें? हमको पता नहीं था कि यहाँ कुछ जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाबूजी से कुछ ले लेते, एक आध गड्डी लेकर के आते, दो गड्डी बांटते खो। सखियों ने कहा, सरकार बिना नेक दिए तो आप भीतर नहीं जा सकते। सखी ने कोहबर का दरवाजा रोक लिया और रघुनाथ जी से कहने लगी,
सखियों ने कहा बिना देख दिए अगर आप पैर आगे बढ़ाओगे तो एक गाली दो गाली नहीं दूंगी मैं गाली हजारी एक हजार गाली आपको सुनाऊंगी। राम जी ने कहा एक हजार गाली। मिथिला की सखियों ने कहा हाँ महाराज दुनिया के आपके जितने भक्त हैं वो आपके सहस्र नाम का पाठ करते हैं हम तो गाली सहस्र नाम सुनाएंगे। कोई विष्णु सहस्र नाम कोई गोपाल सहस्र नाम हम तो गाली सहस्र नाम हमारा है हम इसी से आपका आस्तवन करेंगे आपकी स्तुति करेंगे। और मिथिला की गाली भगवान को प्यारी लगती है प्यार से अगर कोई गाली भी दे तो गाली अच्छी लगती है और प्यार न हो तो बड़ी सुसज्जित वाणी संस्कार युक्त वाणी भी प्रिय नहीं लगती। सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन चितई जानकी लखन केवट कोई व्याकरण नहीं।